भी है ये टीम, देखिए सुबह से आपको एक बात बोल रहे हैं स्पोर्ट्स यानी के सौनज्जे से, सिर्फ बैटर है एक विराट कोहली, बाकी टीम कुछ नहीं है। वही हुआ आज जो हम सबने देखा है कि भाई आरसीबी ने एक तरफा, बटलर का आखिर में शतक आया, सैमसन ने शानदार नॉक खेल दिखाई है, रॉयल चंपू बेंगलुरु, रॉयल चंपू बेंगलुरु, रॉयल चोकर्स बेंगलुरु, विराट कोहली अल्लाह बोल ना, बोलिंग फैंस को ये खुशी ना दे, रॉयल चोकर नंबर 10 पर आएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु नंबर 10 पर आएगा आरसीबी। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये मैच ही नहीं होना चाहिए था, ये हुआ क्या आपके साथ, आप हैं कौन, आप बड़े बड़े बड़के मारते हैं। आपको अभी पूरा एनालिसिस देंगे आज, क्योंकि विराट कोहली बड़ी बात हो रही है, तो हम भाई बात कर लेंगे भैया, क्या विराट कोहली जैसे सेल्फिश प्लेयर को ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज बड़े लोग बोल रहे हैं कि भाई सेल्फिश है, तो क्या उनकी सेल्फिशनेस की वजह से उनको ड्रॉप कर देना चाहिए विराट कोहली को अल्टीमेटली, बिकॉज देखो आप ये दलील देंगे कि जहां जॉस बटलर 58 बॉल्स में 100 मार रहा है, वहीं विराट कोहली 67 बॉल्स में 100 क्यों मार रहा है, जहां जॉस बटलर की स्ट्राइक रेट इतनी ज्यादा है, विराट कोहली की ओवरऑल स्ट्राइक रेट 157 की क्यों है, तो ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन मैं प्रियांशु से पूछता हूं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये मैच क्यों कैसे आप हुआ? आप मैच में नहीं है, कैसे हुआ, कैसे बटलर का भाई लास्ट बॉल पे बटलर का 100 भी बनवा दिया, कितनी कितनी दरिया दिल टीम है, आप देखिए जॉर्ज बटलर 172 का स्ट्राइक रेट, 58 बॉल्स में एग्जैक्टली 100 मार दिया, 4 छक्के और 9 चौके, संजू सैमसन 164 का स्ट्राइक रेट, 42 बॉल्स पे 69 रन्स, 164 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के और 8 चौके, संजू सैमसन, इन दोनों ने मिलकर खत्म किया, साथ में शिमरन हेटमायर 6 बॉलों में 11 रन 2 चौके इन्होंने मार दिए, 183 का स्ट्राइक रेट इनका है, और अगर हम आरसीबी का देखते स्कोर कार्ड तो वहां सिवाय विराट कोहली के और एक बीच में आए थे सौरभ, जिन्होंने ज्यादा बॉलें नहीं खेली थी, तो 150 की स्ट्राइक रेट थी, अदरवाइज फैब डुप्लेसी 133 की स्ट्राइक रेट, मैक्सवेल 33 की स्ट्राइक रेट, मतलब पूरी टीम की, विराट को छोड़ दो आरसीबी की पूरी टीम की 122 की स्ट्राइक रेट थी, जहां यहां पर एवरेज स्ट्राइक रेट, ये देखिए ये तो आरसीबी की बेकार स्ट्राइक रेट है, सबकी बेकार, 83 की किसी की, कैमरन ग्रीन की 33 की, मैक्सवेल 133 की, फैफ की, विराट की है 157, लेकिन यहां पर देखिए आप 160 प्लस ही दिखेगी आपको, 164 संजू सैमसन, 172 जॉस बटलर, 183 शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुड़ेल चलो जल्दी आया जल्दी गया, लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछूंगा ये क्या हुआ, एक बात बोलूं भाई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की औकात ही नहीं जीती, ओ माय गॉड, औकात ही नहीं, ओ माय गॉड, भाई क्या बोल रहे हैं आप, नहीं आप बाकी प्लेयर सच बोल दिया, बाकी टीम जो होती है नहीं बाकी टीम जो होती है वो ऑक्शन में आके लेती है अलग अलग प्लेयर, नांद्रे बर्गर लेती है, मैं अगर बात करें कोई टीम स्टार्क लेके जाती है, आप लेके आते हो हिमांशु 14 की इकोनॉमी मयंक डागर ट्रेड किया था ना हमने, शहबाज लो आ जाओ मयंक डागर, भाई सिराज कहां का बोलर है, मैं जानना चाहता हूँ ये सिराज कहां का बोलर है, आप अपने फैंस को क्यों चीट कर रहे हो यार, भाई मैक्सवेल ने नहीं, मैं आरसीबी से पूछ रहा हूँ अपने फैंस को क्यों चीट कर रहे हो भाई, हमने ना बॉल कराई थी, हमने ना आपका कुछ बिगाड़ा नहीं भाई, ना हमने आपका कुछ, ओवर ही नहीं डाले हिमांशु के, हिमांशु है, मैक्सवेल मयंक डागर है यार, वो नहीं मयंक डागर है, इसको ठीक करके डालो, इसको ठीक करके डालो, हटाओ इसको, मैक्सवेल की जगह पे भाई, ना हमने आपका कुछ बिगाड़ा है ना हमने कुछ गलत किया है, आप हमें क्यों चीट कर रहे हो भाई, हम लोग आपको जर्सियां पहन पहन के फालतू का करता हूँ मैं सबसे, यार मैं तो सच में फालतू का करता हूँ, मैं खुद मानता हूँ भाई, ना हमारा कुछ है ना हम जीतते हैं, पर हम कहते हैं वाह हम चैंपियन है, अबे कहाँ के चैंपियन हो भाई, आपस में टीम के चैंपियन नहीं बन पा रहे यार तुम, उसमें भी विराट कोहली चैंपियन है, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, भाई दिल तोड़ने, विराट सेल्फिश नहीं, दिल तोड़ने की भी एक लिमिट होती है भाई, आप हर मैच में हर दूसरे मैच में दिल तोड़ने आते हो यार, हर मैच में हम इमोशंस लेके आते हैं कि भाई आज जीतेंगे, आज जीतेंगे, कब जीतोगे भाई, आज जीतेंगे कौन से साल में जीतोगे यार, 2000 अब नहीं हो पा रहा मेरे भाई, नहीं हो पा रहा है, ये मुंबई इंडियंस के फैंस ये भी जीत चुके हैं 5 ट्रॉफी यार, इस सीजन खराब कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे बाद में, दिल्ली भी कर लेंगे अच्छा, पंजाब भी कर लेंगे अच्छा, आप कब करोगे यार, आप कब करोगे, दिल्ली पंजाब उसमें भी हम सबसे ज्यादा लांती हो गए यार, उसमें भी हम जीत नहीं पा रहे भाई, सिराज क्या है बोलर यार, क्या है सिराज बोलर, छक्के खा खा के पिछले सर पीटता है, क्या हो गया ये, कैसे चला गया, अबे तू घटिया बॉलर है
क्यों चौके चौके खा रहा है भाई? और कैमरन ग्रीन भाई मुंबई इंडियंस ने बेवकूफ बना दिया हमको, बेवकूफ बना दिया हमको कि ले लो कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ का, ना उससे बैटिंग होती है ना उससे बॉलिंग होती है कैमरन ग्रीन। फिर आ जाओ मैक्सवेल, बिग शो फ्लॉप शो है तू भाई, फ्लॉप शो है, सबसे फ्लॉप, रन नहीं बनते भाई, बोल्ड हो जाता है, सुपर फ्लॉप आता है, बोल्ड हो जाता है, पेसर आता है, बोल्ड हो जाता है भाई। तुम्हें बोल्ड नहीं होना है तो पहले अपनी विकेट उड़ा के फेंक जा, विकेट उड़ा के भाग जाना कि मेरे को बैटिंग ही नहीं करनी है। ऊपर आप भेज रजत पाटीदार, पाटीदार ले आते हो, वो टीम में है, खेलने नहीं आता भाई, मैं खेलने नहीं भेजना, उसको भरोसा ही नहीं है आपको उस पर, तो ली क्यों रखा भाई आपने? दिनेश कार्तिक पिछले मैच में अच्छा खेला, उसको प्रमोट नहीं किया। महिपाल लोमरा पिछले मैच में 12-45 बनाता है, उसको आप ऊपर नहीं भेजते हो भाई। ये कहां के मैनेजमेंट है? विजय कुमार व्यास का है, इस वक्त आपको बता दूं कि आरसीबी का है, आरसीबी के फैंस को आप मैनेजमेंट में बिठा दोगे ना, इससे बेटर टीम बना के दिखा देंगे, इससे बेटर टीम। और मैं इन लोगों को कहता हूं कि आप मेरे मेरे मोहल्ले में ऐसी 10 टीम है भाई, आरसीबी जैसी टीम ना मेरे मोहल्ले में अनगिनत है, अनगिनत है, ऐसी टीम है। बोलिंग लेके आते नहीं हो, खेलने का मौका नहीं मिल रहा। आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि सिर्फ क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग नहीं होती है, बैटिंग तो बैटिंग भी नहीं हो रही है, छोड़ो बैटिंग भी कौन सी हो रही है, विराट कोहली से तो बैटिंग करा रहे हो भाई, विराट कोहली को आप ये देखो आरसीबी छोड़ देनी चाहिए। हाँ विराट देनी चाहिए, विराट की बात, विराट की बात करेंगे आज, सेल्फिश सेल्फिश भी लोग बोल रहे हैं कि भाई जब जॉस बटलर 58 बॉल्स पे 100 मार रहा है, आप 67 बॉल्स पे 100 मार रहे हो, तो आप इतना स्लो क्यों खेल रहे हो? स्लोएस्ट सेंचुरी हो गई थी, स्लोएस्ट सेंचुरी, तो सारी बात करेंगे कि क्या सेल्फिश, विराट कोहली को ड्रॉप करो फिर, क्यों भाई? पांडे जी चाह रहे ड्रॉप करो, कोबरा बड़ा खुश हो रहा था कि यार ये तो जीत ही नहीं सकते, उसको ड्रॉप कर दो विराट कोहली को, तो आज बात करेंगे विराट कोहली को ड्रॉप करो। लेकिन उससे पहले मैं बात करने जाता हूं भाई, आज तुम्हारे लिए मस्ट विन सिचुएशन थी, आज का मैच हार के तुम 8वें नंबर पे आ गए, आज का मैच हार के तुम बर्बाद हो गए। आज के मैच में तुमने प्लानिंग क्या करी? तुमने मयंक डागर को डलवाया, वहीं से मैच पलट गया भाई, वो पहले रन बॉल ही खेल रहा था, बटलर भी और सैमसन भी, डिफरेंस क्या है मैच में? वहां से बॉल कराई अश्विन ने, वहां से बॉल कराई यूजी ने, यहां पर डागर और हिमांशु भाई, डागर 17 की इकोनॉमी है, 2 ओवर में 34 रन, हिमांशु 14.5 की इकोनॉमी है, हिमांशु 2 ओवर में 29 रन, ये कौन सा डेब्यू हो रहा है? जब तुम जीतने की तुम्हें चाहिए कि तुम्हें जीत चाहिए चाहिए, वरना हार गए तो बाहर, वो तो 3 जीत के 4 जीत गए, 4 ओवर में तुम दोनों ने मिला के 60 रन दे, वो ही तो बोल रहा हूँ, 4 ओवर में 60 रन दे दिए, तो वहां पे मैच तो आप यहां हार रहे हो, और उनके 4 ओवर में अश्विन ने 28 रन दिए थे भाई, 4 ओवर में अश्विन के तो रन ही नहीं पड़े, यूजी 2 विकेट ले गया 4 ओवर में, तो मैच तो तुम यही हार गए। कहां है व्यासक, कहां है ये? का है? अच्छा मोहम्मद सिराज, चलो लास्ट का ओवर ठीक डाल दिया, फिर भी 4 ओवर में 35 रन और 1 विकेट, 1 विकेट जब मिली है इसको संजू सैमसन की, मारते हुए आउट हो गया, जब मैच खत्म हो गया था तो दांत दिखा रहा है भाई, तू नई बॉल से विकेट लेके दिखा ना, तब तक तू पिटता रहता है। यश दयाल ठीक ठाक बॉलिंग करा आज, उसको भी 9.2, रीस्टॉपली 6.8 की इकोनॉमी, इसने अच्छी बॉल करा दी, लेकिन मैच में डिफरेंस वही है स्पिनर्स का, आरसीबी से स्पिनर्स पे रन लगे नहीं, और राजस्थान रॉयल्स ने स्पिनर्स को छोड़ा ही नहीं। आरसीबी की आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे गंदी बोलिंग अटैक है, सबसे गंदी बोलिंग भी है, पिछली बार भी इन्होंने एक डिसेंट टोटल बनाया, 15-16 ओवर में चेस करवा दिया, इंक्वायरी बिठाओ इनके ऊपर, इस बार भी टीम है कि नहीं, ये बाय द वे ये तो बच गए कि जाके 19वें ओवर में चेस हुआ है, ये तो 16-17 ओवर में चेस खत्म था, जिस तरीके से संजू सैमसन खेला है, जिस तरीके से जॉस बटलर खेला है, बिल्कुल ठीक बोला प्रियांशु ने के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की औकात ही नहीं लग रही भाई। हाँ। ये सीजन की जो टीम है इंक्लूडिंग इनके बोलर्स एंड बैटर्स, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट आरसीबी की टीम्स। ये देख लीजिए आरसीबी के स्पिनर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर्स, राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर्स आर 2 ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द कॉम्पिटिशन, अश्विन और यूजी। अबे यार तुम अश्विन और यूजी के टक्कर पे ला रहे हो मयंक और हिमांशु, तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? 4-4 ओवर डाले अश्विन और यूजी ने, 4 ओवर में 28 रन दे रहा है अश्विन, बताओ सिर्फ 7 की इकोनॉमी, 4 ओवर में 34 रन दे रहे हैं यूजी, सिर्फ 8.5 की इकोनॉमी और 2 विकेट भी ले गया, मयंक 2 में 34 दे रहा है पावर प्ले में डलवा दिया, वो मार खा के खत्म हो गया, वो 2 में 29 14.5 मेन डिफरेंस इन द मैच। मैच आरसीबी यहां हारी। जो लोग बोलेंगे भाई कि विराट कोहली स्लो खेला, भाई विराट खेला है अश्विन और यूजी को, बटलर और सैमसन खेले मयंक और हिमांशु को, प्लस भाई बटलर और सैमसन ने तो दोनों ने मारा है, वहां तो विराट अकेले लगा हुआ है भाई। अगर बटलर की स्ट्राइक रेट 170 प्लस है तो सैमसन की स्ट्राइक रेट 160 प्लस है, हेटमायर की स्ट्राइक रेट 180 प्लस है,
यहां से विराट सिर्फ अकेला विराट है. विराट को देखो 113 रन नॉट आउट, बॉल 72, स्ट्राइक रेट 156 157, मान लो 156.9. बटलर 100 नॉट आउट, 58 बॉल्स 172 की स्ट्राइक रेट. सैमसन 69 of 42, 164 की स्ट्राइक रेट. शुरू में दोनों रन बॉल टाइप खेल रहे थे, बाद में जब स्पिनर्स आए उन्होंने मार मार के भरता बना दिया. और वहां से फैफ डुप्लेसी 133 की स्ट्राइक रेट. तो किसने साथ दिया? लेकिन इट इज एन ओपन डिस्कशन भाई. लेट्स टॉक अबाउट T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो, बिकॉज देखिए आरसीबी यहां पर इस पॉइंट टेबल में उनका मेरे को लग रहा है सफर इज डन नाउ. आप पांच में से एक मैच जीते हो, चार हार गए हो. मैच आपके बचे, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट राइट, नौ मैच है सात. इनके फरिश्ते नहीं जीत सकते, इनके फरिश्ते नहीं जीत सकते नौ में से सात. कंफर्म होगा आरसीबी का खत्म है मामला, मान लिया आपने. अब हम T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देख लें, जो आज बोल रहे हैं पांडे जी की आज के मंसूबे पूरे हो गए कि भाई आरसीबी हार गई अल्टीमेटली, और एक और बैटर ने वहां से आकर 172 के स्ट्राइक रेट से ठोक दिया और दूसरे बैटर ने 164 से ठोक दिया. पिछली बार भी यही बात हो रही थी कि जब केकेआर वाले इतनी तेज स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं तो बार बार विराट कोहली क्यों कम कर रहा है. अब पांडे जी आप बोल रहे थे पूरे आईपीएल में यही होगा, पूरे आईपीएल में यह होगा कि विराट कोहली रन मारेगा और दूसरी टीम आके और तेज रन मारेगी और विराट की बदनामी होगी. बताइए क्यों? नहीं, ये रीजन है ना इसके पीछे, क्योंकि देखो अब सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो एक प्लेयर तो आपको मैच नहीं जिताएगा. क्रिकेट थोड़ी एक प्लेयर का गेम है यार, ये 11 प्लेयर खेलते हैं और आपको जीतने के लिए सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए. ठीक है, एक दो मैच में कभी ऐसा होगा कि अगर चेस पे आप होंगे वहां पे कोहली होंगे तो वो अपने दम पे मैच जिता देंगे, लेकिन जब जब टारगेट सेट करने की बारी आएगी, और जैसी बोलिंग आरसीबी की है मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर 200 भी बनाएंगे ना तो ये 200 भी चेस करवाएगी ये बोलिंग. और वहां पे अगर विराट के रन होंगे तो फिर लोग ये सवाल उठाएंगे कि विराट कोहली रन मार रहे हैं फिर भी आरसीबी नहीं जीत रही है. और मुझे एक चीज बोलिए, पॉइंट यहां पे यही इन्हीं कारणों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विराट के साथ ऐसा नहीं है, दो बार हो चुका है और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा मामला तो और भी ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जहां क्या विराट को ड्रॉप होना बनता है जो पारी आपने देखी. देखो इंडिविजुअल प्लेयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई कैसे ड्रॉप करेगा, ऐसी बैटिंग अगर कोई और इंडिया के लिए अगर वो खेलेंगे तो ऐसा लोग कह रहे स्लो खेले विराट तो हारे. इंडिया के लिए आप खेलोगे तो इंडिया भाई मैं तो सवाल कर रहा हूं आपके साथ जो बैटर खेल रहा था उसने उस तरीके से सपोर्ट नहीं दिया. जब वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे उनके साथ सूर्या नहीं, ये तो बहाने. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, स्लोएस्ट 100 मारा विराट ने, वहां से बटलर 172 स्ट्राइक रेट, वहां से सैमसन 160 प्लस स्ट्राइक रेट, विराट 157 स्ट्राइक रेट, मुश्किल से एंड में पहुंचे. तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि विराट से ओपन कराएंगे और खिलाएंगे? बिकॉज मैच तो आप हार गए, दो मैच लगातार विराट के रन आ रहे हैं, आरसीबी मैच हार रही. नहीं, इस बात का जवाब बिल्कुल है. देखो होता क्या है ना, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अगर टीम में एक ही बंदा परफॉर्म करे ना तो उसी की क्रिटिसिज्म होगी और उसी की तारीफ होगी. अब उसने 156-157 की स्ट्राइक रेट से खेला क्यों? क्योंकि भाई सामने जब फैफ तेज खेलेगा ही नहीं, जब कोई सामने से रन बनाएगा ही नहीं तो विराट अपनी विकेट को संभालेगा संभालेगा ना. वो तो बोलेगा कि भाई मुझे एंड तक टिकना है, अगर एंड तक नहीं टिकेगा तो जितने बन रहे हैं उतने भी नहीं बनेंगे, 160-150 में नहीं बढ़ जाओगे आप. लक्ष्य तो विराट कोहली का वहां पर बैटिंग करना कितना बहुत जरूरी है. आई एम बी इंडिगोज एडवोकेट, लेकिन ये तो बहाने हैं. पिछली बार भी आपने एक दो पारी ऐसे देखी थी यशस्वी जायसवाल की जहां अकेला वही उसी ने रन मारे थे और उसने 170-180 की स्ट्राइक रेट में मारे थे, बाकी किसी के रन नहीं आए थे. पिछला मैच आई थिंक ये राजस्थान रॉयल्स हार गई थी वो मैच, लेकिन चेस कर लिया था पता नहीं कौन सी टीम थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल अकेले रन मार गया, आई थिंक 100 ही मार गया था, 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से कुछ मार गया था, बाकी सारे आउट हो गए थे. तो क्या ये एक्सक्यूजेस है कि जी बाकी कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, आप खेल नहीं पा रहे, आप बोलिंग अटैक अच्छा है? ठीक है भाई, वहां से वहां पे भी तो वर्ल्ड कप पे भी तो वर्ल्ड क्लास बॉलर आएंगे. आप यूजी को दो छक्के मारे, आपने अश्विन को अटैक क्यों नहीं करा? चार ओवर में 28 रन, तो भाई वहीं पे मैच हार गए आप, और वहां पे तब फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली खेल रहे थे. तो क्या ये बहाने हैं? विराट को बेटर करनी पड़ेगी स्ट्राइक रेट. एब्सोल्युट नो बहाने ने भी एक ग्राफिक दिखाया था ना, वो दिखाना जरा. जब दिखाइए जब विराट तीनों का था, अब हम इसको देख लो, इसके अंदर इसका कारण छुपा है. कई लोग कह रहे भाई आज बटलर ने सेंचुरी लगाई, उसने 172 से लगा दी और ये 58 बॉल्स में जितनी भी बॉल्स हैं इतनी जल्दी बटलर ने क्यों सेंचुरी लगा दी? उसका कारण बिल्कुल बटलर के साथ इसी ग्राफिक के अंदर है. सैमसन उस तरफ से भी रन आ रहे थे, उस तरफ से कॉन्फिडेंस था. यहां पर सिर्फ एक कारण नहीं है कि विराट की वो सेंचुरी होती, मल्टीपल कारण है. बोलिंग जो सामने खेली सबसे बड़ा कारण, अश्विन टेस्ट का नंबर एक बॉलर, चहल आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर, अभी भी पर्पल कैप होल्डर विद बैटर, पहला कारण ये विराट स्लो. दूसरा और बड़ा कारण जो हमेशा आरसीबी का इतिहास है कि साथ में भाई उस बंदे को साथ मिला ही नहीं, इतिहास गवाह है. जब विराट अभी आपने कहा ना जयसवाल वाला, जब विराट कोहली को साथ मिला
बाकी टीम अच्छा खेली। 2015-16 का सीजन है, फैम नॉट रॉक पंजाब के सामने भाई साहब 47 बॉल्स में विराट कोहली की सेंचुरी है, तब नहीं उस बंदे ने मारे, उसने भाई 52 बॉल्स में सेंचुरी लगाई हुई ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ओडीआई में। उसको तेज खेलना आता है, लेकिन विराट उस कैलिबर का प्लेयर है जहां पर विराट समझदारी के साथ खेलता है। यशस्वी जायसवाल, अभी उसके ऊपर आता हूं मैं, जायसवाल का पिछला सीजन आपने कहा जी कि जायसवाल तेज खेल रहा था, अकेला अकेला तेज खेल रहा था, मान लिया, बट आज भी विराट अकेला था, वो भी अकेला था। जायसवाल उस टाइम पे, आप उस टाइम पे जायसवाल देखो, ही इज अ यंगस्टर, उसका दिन अच्छा था, उसकी हर बॉल बैट पे थी, वो जहां भी मार रहा था बॉल लग रही थी। विराट लेकिन समझदार है, विराट इज अ वेरी मैच्योर प्लेयर, और जिस तरह से विराट ने आज बैटिंग करके दिखाई है, ये एक मैच्योर प्लेयर की इनिंग होती है कि दूसरी तरफ से रन नहीं आ रहे। बस एक और चीज कहूंगा इसके बाद, आरसीबी आज हारी तो हारी, पर मेरे को आरसीबी से एक बहुत बड़ा गिला है, बहुत बड़ा शिकवा है भाई, ये लोग आज आउट ऑफ फॉर्म बटलर को फॉर्म में ले आए हैं, ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। पिछली बार भी जब इंग्लैंड जीता है वर्ल्ड कप, जब इंग्लैंड जीता है वर्ल्ड कप भाई, सब बटलर का फॉर्म को, बटलर को फॉर्म में आईपीएल ही लेकर आया था भाई साहब। आप भी टेबल पे, मैं साक्षी के पास जा रहा हूं, साक्षी बोलना चाह रही है, मैं साक्षी के पास जा रहा हूं, लेकिन साक्षी आप जो मर्जी बोल लीजिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज अल्टीमेटली विराट कोहली स्कोर्स, आरसीबी लूजेस। नाउ यू कैन से एनीथिंग कि भाई आपके ऑपोजिशन हो गया, ये हो गया, ये बार बार आप ही के साथ हो रहा है। True, very true. ये होता है and it's an established fact जिसके ऊपर कोई questioning नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात करी जा रही विराट कोहली की, when you were playing the devil's advocate कि विराट कोहली का strike rate आप देखिए slow रहा, 157 slow नहीं बोलेंगे, लेकिन compared to butler and samson slow है। See, दो points जो लक्षित ने raise करे यहाँ पे, एक है support का, 100% true, and second of all दो चीजें और इसमें add on होती है। एक है कि आप पहले पारी खेलने आ रहे, आपकी टीम को एक स्कोर सेटअप करना है, यू डोंट हैव अ टारगेट इन योर साइड टू चेस, तो आप गोल्स बना सकते हैं। जब आप खेलने आते हो आपको बहुत संभल के खेलना होता है, एक मैच्योर इनिंग्स खेलनी पड़ती है, बिकॉज़ ना आपके पास पार्टनरशिप है, ना आपके पास वो कॉन्फिडेंस सपोर्ट है, नहीं अपनी, है हाँ अपनी कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जो आप यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हैं, तो उसे खुल के खेला वो इसीलिए, बिकॉज समवेयर ऑल द प्लेयर्स नो अपनी टीम और प्लेयर्स के बारे में। अगर आपको पता है कि आपका मिडिल ऑर्डर या थर्ड फोर्थ फिफ्थ बैट्समैन फॉर्म में है, और अगर आप खुल के खेलो और आप आउट भी हो जाओ, तो आपको इस बात पे इंटरनली फेथ होता है कि मैं अगर आउट भी हो गया ना मारते हुए शॉट्स, मेरी बाकी आने वाले खिलाड़ी संभाल लेंगे। विराट कोहली ने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स देखा है कि किस तरह से जब जब वो फेल हुए हैं। साक्षी, मैं आपकी सारी बातें मान लूं, लेकिन अब ये बहुत, अगेन आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर गाइस, सो हियर मी आउट। पिछले सीजन आरसीबी का, जब सीजन खत्म हुआ है, आरसीबी ने पहले बैटिंग करी, विराट कोहली ने पहले बैटिंग करी, विराट कोहली ने शतक मारा, गुजरात टाइटंस ने बैटिंग करी, शुभमन गिल ने शतक मारा, उससे काफी तेज शतक मारा और जीत गए। अगर विराट ने 3 छक्के मारे तो मेरे ख्याल शुभमन ने 8-9 छक्के मार दिए और जीटी ने इजी चेस कर लिया और आरसीबी बाहर हो गई। तो कब तक हम ये बोलते रहेंगे कि भाई वो अकेले, या तो देखो आप अपना खुद जिम्मेदार हैं अपनी टीम के लिए, आप ये हिमांशु, कभी आप ये मयंक डागर को ले आए हैं, कभी आप लोमरूर, कभी अनुज रावत, कभी दिनेश कार्तिक पर डिपेंडेंट, फैफ मैक्सवेल से बैटिंग नहीं हो रही, उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी टीम बना रखी है हमेशा की तरह, और अकेले रन मारते रहते हो और मैच हारते रहते हो। मेरा एक पॉइंट है, देखो जो 100 आया विराट कोहली का 70 बॉलों में, मैच आरसीबी आ रहा, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि सामने से कोई सपोर्ट नहीं मिला भाई, आरसीबी की पहली विकेट गिरती है 14 ओवर में 14 ओवर चल रहा था और आरसीबी के 125 रन 6 ओवर आपके पास पड़े थे पहली विकेट। अगर वो पहली विकेट पहले ओवर में गिरती, दूसरे ओवर में गिरती, तीसरे में गिरती या पावर प्ले में गिरती, तो चलो समझ में भी आता है, एक सॉर्ट ऑफ कोलैप्स होता कि भाई सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। पहली विकेट 14वें ओवर में, दूसरी विकेट गिरी 15वें ओवर में, चलो ये तीन ही विकेट गिरी वही तो सपोर्ट, और लास्ट ऑल आउट थोड़ी ना हुए हो 18वें ओवर में। तो मैं जरा ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं कि यार सपोर्ट नहीं मिला, हाँ ये जरूर है कि सामने वाले एंड से वो धीरे बहुत खेला, धीरे बहुत खेले, बट कोलैप्स तो नहीं था बॉस, बट ऐसा तो नहीं था कि भाई आपके 5वें ओवर में ही 4 आउट हो गए और आपको यू नो पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी। पार्टनरशिप तो बिल्ड करते हुए आप आए 14 ओवर तक तो आपकी पार्टनरशिप ही बनी है, तो क्या जब पहली विकेट गई तो क्या वहां से वो एक्सेलरेशन नहीं आना था, क्या 15 ओवर के बाद या 16 ओवर के बाद वो जो स्ट्राइकर राहुल पे जल्दी से आएंगे, डिबेट ऑन है, प्रियांशु के कमेंट्स भी लेंगे, लक्षित ये लक्षित से भी आंसर लेंगे, बिकॉज ये देखिए अब ये तीखे सवाल हो चुके हैं, आप बार बार इस पे नहीं बच सकते कि भैया ये हो गया। विराट कोहली डिस्पाइट स्कोरिंग उनपे इल्जाम लग रहे हैं बिकॉज टीम मैच नहीं जीत रही, दो तीन चीजें हैं, नहीं बेबुनियाद आप फिर अगेन सर्टिफिकेट मत दीजिए, नहीं हम डिबेट कर रहे हैं, आप पहले बंद कर देते शो,
भाई मैं नहीं आदे जी माई मिस्टेक सॉरी चलो तो ये अभी डिबेट कर रहे हैं कि भाई क्या है या क्या नहीं है. बात ये है कि यहाँ पे जो बेसिस है पहले भी आप ऐसे ही हारे पिछली बार, इस बार भी आप इसी तरीके से हार रहे हैं. तो डिस्कशन यही हो रही है कि भाई विराट की क्या ये वाकई ही जो स्ट्राइक रेट का इशू है जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आपके साथ 14 ओवर तक पार्टनरशिप थी, खेला नहीं गया, रन आपके बन नहीं रहे, अब आप बोल रहे हैं बाकी सपोर्ट नहीं मिल रहे, ना तो विकेट गिर रही है ना ही रन बन रहे हैं, ये क्या बात है. पांडे जी भी इसमें उत्सुक थे बोलने के लिए, पहले नहीं बोला आपने, कोबरा के बाद आप चलते हैं. नहीं नहीं वो पॉइंट भी था, वो भी सपोर्ट का इंतजार नहीं दे रहे. जैसे हम अगर बटलर की इनिंग देखेंगे 58 बॉलों पे 100 बनाए, लेकिन शुरुआत जब उन्होंने स्लो था 16 बॉलों पे 19 रन थे, 16 पे 19 था. जैसे ही सैमसन ने सैमसन मैं बता देता हूं, बटलर शुरू में 16 पे 19 थे, सैमसन शुरू में 17 पे 22 थे. जैसे ही मैंग डागर का ओवर आया, मैंग डागर को तब मारा उसने, उसके बाद और उसके बाद देखो आप ड्यू फैक्टर की बात कोई नहीं कर रहा. हाँ ये बात भी सही है, इतनी ड्यू आई, एक तो आरसीबी की बॉलिंग और ऊपर से ड्यू, एक तो बॉलिंग इतनी खराब. तो आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपको पता तो था ना कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आनी है. तो ये डिबेट हो रही है अब इन्होंने, रुकिए रुकिए रुकिए, समझ नहीं आएगी यार, रुक जाओ, आपका पॉइंट ले रहा हूँ और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज करा. अब आपने बोला जी के जब वो भी धीरे खेल रहे थे, मयंक डागर को ओवर लूट लिया, बाद में ड्यू भी आ गई. अब पांडे जी का जो सवाल है और बहुत उम्दा सवाल है, पहले उसको सुन लीजिए. पांडे जी क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आप तो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल भी देखा होगा ड्यू आई है नहीं आई, तो अगर आपको पता था कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आई है, कंसीडरिंग कि आप देख रहे हो कि हमारी बॉलिंग किस तरीके से चल रही है, तो आपको तो अपने माइंड में वो 30-40 रन एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए, कम से कम 20-25 रन. पॉइंट आपसे ले रहा हूं, दोनों पॉइंट ये है कि आपके विकेट गिरे 3, चलो 5 विकेट गिर जाता, 6 विकेट गिर जाता, आप 180 पे रुक जाते, समझने वाली बात है. आपके पास दिनेश कार्तिक पड़ा हुआ, आपके पास महिपाल लोमरोर को भी आप ला सकते थे, बिल्कुल रजत पाटीदार पड़ा हुआ, बिल्कुल. तो क्या बीच में कहीं आपने थोड़ा सा रिस्क लेने में देरी की? दो चीजें पहले उनको, फिर आपको प्रियांशु पे जाएंगे, राहुल पे, फिर लक्षित और आप पे भी आएंगे, साक्षी को भी लेना है. नहीं आपने बोला भाई कि आपको पता था कि बाद में ड्यू आएगी, आपको पता है राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत लिया है, ठीक है ना, आपको पता है राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग कितनी खौफनाक है. ये वो टीम है जो पिछली से पिछली बार फाइनल खेली हुई है, ये वो टीम है जिसके पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स, या दोनों मान लीजिए यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन कितना खतरनाक हो सकता है. बाय द वे संजू सैमसन की दूसरी निगाह गई हेटी इनके पास है, ध्रुव जुरेला, रेयान पराग किस फॉर्म में चल रहा है, 3 मैच में से 3 जीत के आए और 4 में 4 हो गए, तो क्यों नहीं आप कोशिश करेंगे, आ रहा हूं मैं आपके पास, क्यों नहीं आप कोशिश करेंगे कि 210-220 रन हो, जो कि हो सकते थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे उन्होंने बोला 3 ही विकेट आउट हुए हैं, कोई आप ऑल आउट नहीं हो, कोई ऐसा पैनिक नहीं मचा, विकेट इन हैंड थी, 14 ओवर के बाद पहली विकेट गिरी थी. सेकंड बात यह है भाई मेरे कि आपको जब पता है कि आपकी बॉलिंग में फायर पावर है ही नहीं, आपके बॉलर हिमांशु, आपके बॉलर डागर, आपके बॉलर महान सिराज, तो आपकी बैटिंग में अगर आपने बड़ा स्कोर लगाया तभी आप बच सकते हैं, राइट. इनकी तरफ से भी मैं आपको बता दूं, आपको यह चीज भी मैं बता रहा हूं कि आपके लिए कैमरन ग्रीन को आपने प्रमोट करा, वो नहीं खेल पाया, मैक्सवेल आया वो नहीं खेल पाया, हालांकि मैक्सवेल के लिए स्टेज सेट था, इन्होंने विकेट्स इन हैंड जो रखी थी उसके लिए स्टेज सेट था. तो प्रॉब्लम ये हो गई आरसीबी के लिए, ना तो फैफ मार पाया, ना मैक्सवेल मार पाया, ना ही कैमरन ग्रीन मार पाया, आप बोल सकते हैं विराट अकेला पड़ गया, वो सौरभ आया उसने एक छक्का मारा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर ऑल्सो इज कि आपने हिटिंग कब शुरू करनी थी, क्या आपने 14 ओवर के बाद शुरू करनी थी जहां पर एक भी विकेट नहीं गिरी हुई, या फिर जब 10 ओवर आपने देख लिए, 10 ओवर में 88 थे इनके आरसीबी के, 10 ओवर में 88 विदाउट लॉस, जब एक भी विकेट नहीं गिरी, क्या आपका 11वें ओवर से बनता नहीं था, अश्विन के अगेंस्ट आपने एक पैसे का रिस्क नहीं लिया, यूजी को आप रिस्क ले रहे हो, अश्विन के 4 ओवर आपने वेस्ट कर दिया, अश्विन को लास्ट में कोई मार के गया, अश्विन को सौरभ ने मारा, मेरे ख्याल छक्का सौरभ ने छक्का मारा पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे जो उसने खेली है, बट उसके अलावा इनसे अश्विन की बॉल ना, विराट ने तो रिस्की नहीं लिया और फैफ से खेली नहीं गई, और ज्यादातर स्पिनर्स को ना वो यूजी को मार पाए और ना वो अश्विन को मार पाए. तो मैं ये बोल रहा हूं भाई, आपने अगर इनिंग स्पेस करनी थी, क्या आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी स्पेशली विराट की और फैफ की, 10 ओवर के बाद हिटिंग शुरू करो, क्यों आप वहां तक रुके कि नहीं जी 14 ओवर तक जाके फैफ आउट हो रहा है, फिर मैक्सवेल आउट हो गया तो प्रेशर आ गया, क्यों इतना डीप ले जा रहे हो, पहले क्यों नहीं हिटिंग शुरू करी? नहीं बोलना बड़ा आसान है पांडे जी और नितिन की ना, 13-14 ओवर तक या 12 ओवर तक पार्टनरशिप आपकी बन गई थी, या फिर 220 आप दिमाग में लेके नहीं चल रहे हैं ना, क्योंकि जब इन्होंने 100 मारी थी
आप ही तारीफ कर रहे थे कि विराट कोहली ने 100 मारी 67 बॉल्स पे, है ना जी? क्लियर करूंगा, पहले सुनना मेरी बात, फिर उसके बोलो ना, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए आप। तो आप अगर ये इसके बाद नितिन उससे साक्षी, नहीं ये बात हो रही कि भाई विराट कोहली का जो भी 100 है वो इतना नहीं आया, हिटिंग थोड़ी लेट आपकी स्टार्ट हुई। यार आप एक बात देखिए, अगर वहां पे दूसरे एंड से जो कैमरन ग्रीन आपने प्रमोट किए, मैनेजमेंट की दिक्कत ही नहीं, एब्सोल्युटली वहां पे एग्रीड है ये पॉइंट, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ मैचेस से, दो मैचेस के अंदर लगभग 160 की स्ट्राइक रेट रही है, पंजाब वाला मैच और आज वाला मैच, है ना? अब बीच में अब 220 210 का जो आप सोच रहे हो कि आपको 210 जाना चाहिए या 220 जाना चाहिए, अब उसके अंदर आपको साथ वाले बैटर का भी साथ जरूरी है भाई। 220 कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, 220 के स्कोर में आपको याद होगा भाई जब आपका हैदराबाद ने भी 277 लगाए थे, है ना, उसके अंदर भी सामने से भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। प्रियांशु बात हो रही है इंटेंट की, ना ना ना, लेकिन बात हमने आप वो बताइए कि 10 ओवर के बाद इन्होंने हिटिंग क्यों नहीं शुरू करी और ये क्यों 14 ओवर तक वेट करते रहे, अश्विन को बिल्कुल भी अटैक नहीं करा और ये वेट ही करते रहे। नहीं वेट करते रहे, जो आप बोल रहे हो ना कि 10 ओवर के बाद अटैक नहीं किया, देखो क्लियर प्लान जो मुझे लगा, जो अश्विन को इन्होंने बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया, अश्विन के 4 ओवर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 4 ओवर में 28 रन। देखो आप क्वालिटी को देखो ना यार, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि स्पिन की क्वालिटी में फर्क था, चांस तो लोगे, एक सेकंड, यूजी की क्वालिटी कम है, यूजी पे तो आप पहली बॉल पे चांस ले रहे हो, यूजी वही तो बोल रहा हूँ, यूजी पे तो आप पहली बॉल पे चांस ले रहे हो, अश्विन पे आपने एक चांस नहीं लिया क्योंकि अश्विन विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा था, नहीं लगा पा रहा था। मैं ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता साक्षी और फिर आप, साक्षी और फिर आप। जब आप 10 से 14 ओवर्स की बात करते हैं ना, वो समय होता है इनिंग्स का व्हेन यू हैव टू सर्वाइव एंड बिल्ड ऑन द इनिंग्स, बट 10 ओवर तक साक्षी एक भी आउट नहीं था, नहीं थे, लेकिन विराट कोहली अगर उस समय अश्विन पे रिस्क लेते ना सुशांत, तो उसके बाद इनकी पारी वहां से समाप्त थी। आफ्टर विराट कोहली, आई एम वेरी श्योर विराट कोहली ऑल्सो नोज दिस, दैट देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर आफ्टर हिम दैट ही कैन कॉन्फिडेंटली रेस्ट ऑन। ये कोई लॉजिक नहीं, अगर विकेट आ जाए तो कोलैप्स हो जाएगा, इस बात में थोड़ा दम है। अभी तक जितने हमने 5 मैच हो गए सिवाय विराट के, किसने भरोसा दिया आपको? दिनेश कार्तिक ने दिया। आप इसके चक्कर में आप रिस्क ही नहीं लोगे? उसने यूजी पे तो आपने देखा रिस्क लिया, यूजी पे तो रिस्क लिया, आपको क्या लगता है आपके बाकी बैटर 50 रन भी नहीं बनाएंगे? काफी क्लियर हो गया है आरसीबी के नजरिए से कि कितना कॉन्फिडेंस एंड एज एनालिस्ट एंड एज प्लेयर्स दोनों लोग ले सकते हैं अपनी टीम के प्लेयर्स के ऊपर। आई के चोट पे कि इस टीम में विराट कोहली हैज बीन द ओनली कंसिस्टेंट प्लेयर सो फार। देखिए एक बात इसमें यहाँ पर क्या है, जो साक्षी बोल रही है इसमें डिफरेंस क्या है बीच में, जो मैंने आपको अभी भी दिखाया था, फिर से दिखा देते हैं कि स्पिनर्स को कितनी मार पड़ी है। एक जगह यूजी और अश्विन की इकोनॉमी रेट है भाई आई थिंक 7 रन पर ओवर, यूजी की इकोनॉमी रेट है भाई 8 समथिंग पर ओवर, डागर की इकोनॉमी रेट है 17 रन पर ओवर, हिमांशु की इकोनॉमी रेट है 14.5 रन पर ओवर, और वहां पे सिर्फ यूजी को अगर छक्के मारे विराट ने मारे, यहां पर बटलर ने भी मारा है, यहां पर सैमसन ने भी मारा है, तो यहां पर उन दोनों का साथ भाई देवर टेकिंग टर्न्स, वो उधर आ रहा है वो मार रहा है, वो उधर आ रहा है वो मार रहा है, यहां से अकेला वो स्ट्रगल कर रहा है, फैफ से तो बॉल ही नहीं लग रही थी, मैक्सवेल आया 2 बॉल में निकल लिया, तो बात तो ये है विराट अकेला भी पड़ गया, और अकेले वैसे तो यार देखो इट्स अ मिरेकल के वो 183 रन ले गया। सही बात, प्रॉब्लम ये है कि आज हम ये डिबेट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 183 बन गए,